बहुत ज़बरदस्त आई है अनएक्सपेक्टेडली। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सजाद अमान, आप देख रहे हैं मार्केट वाले फूड। तो आज है ना मैं आपके लिए ला रहा हूँ हैदराबादी कच्ची गोश्त की बिरयानी। इसमें बीफ से भी बनती है, मटन से भी बनती है, चिकन से भी बनती है, लेकिन आज हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम चिकन से। ये तकरीबन ये हमने लिया है, दो चिकन लिए हैं राउंड अबाउट 4 किलो। इसमें हम पहले इसको मेरीनेट करेंगे। मेरीनेट करने के लिए इसमें जो है ना ये हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च, साथ में हम डालेंगे सिया मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, लौंग, थोड़ी सी जो है ना हम इसमें ये डालेंगे इलायची वगैरह, और ये गरम मसाला पाउडर, और ये कुछ दाने हम इसमें डालेंगे दालचीनी के। इसके साथ थोड़ा सा डालेंगे तेल। ये थोड़ी सी अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, और साथ में हरा धनिया, और इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे। इसको जब अच्छी तरह मिक्स कर लें तो इसको हम मेरीनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ये 3 घंटे हो गए इसके मेरीनेशन के, तो अभी हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये तकरीबन 1 किलो दही, ये तकरीबन 3 साढ़े 3 पौने 4 किलो चिकन था, तो इसमें हमने ये 1 किलो तकरीबन दही डाल लिया। इसके साथ हम इसमें जो है ना थोड़ा सा ये लौंग वगैरह डालेंगे, और थोड़ी सी इलायची। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम ये ऑयल और डाल लेंगे, बाद अब ये जो है ना हम बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं इसको। इसको हम इस तरह फैला देते हैं। अच्छे, पहले से हमने कुछ चावल भिगोए हुए थे, ये अब इसमें डालेंगे उबालने के लिए। इसमें ये थोड़ा सा हम जो है ना नमक भी डालेंगे, इसके साथ थोड़ा सा हम जो है ना ये इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हमने इलायची डाल ली, साथ में हमने जो है ना ये दालचीनी के कुछ पीसेस डाल लिए हमने। इसमें ये 2-4 हम इलायची के दाने भी डाल दिए। इसको भी हम छोड़ देंगे उबालने के लिए। अच्छा जी, ये पहला उबाल आ गया है चावल में, तो अब इसकी जो पहली तह है उसके लिए हमने इसे चावल ले लिए, उसकी हम पहली तह बना लेंगे। ठीक है, अभी 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा देखेंगे।
अच्छा, हमसे एक ये स्टेप रह गया था जो ये हमने प्याज भुना हुआ था तो ये हमने डालना था, लेकिन ये हम अभी इस पे पहली तरह के बाद ही हम डाल लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो हमें जो है ना, जो गोश्त था, कच्चा गोश्त चिकन का जो हमने मेरीनेटेड बनाया हुआ था, उस पे डालना चाहिए था, लेकिन उस पे अगर रह गया तो कोई मसला नहीं, ये इधर भी हम डाल सकते हैं। ये अभी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद जो है ना, हम इस पे दूसरी तह डालेंगे और इसी तरह फिर तीसरी तह जो है ना, वो फर्दर 3-4 मिनट बाद डालेंगे। अच्छा, ये अभी इस पे ये दूसरी तह हम डालेंगे, पानी से हमने निकाल लेना है। ये हमने इस पे दूसरी तह डाल ली। जब दूसरी तह डालेंगे तो इस पे हम जो है ना, फिर ये थोड़ा सा जो है ना, ये गरम मसाला डाल लेंगे, साथ में कुछ इलायची, थोड़ा सा हमने इस पे डाली ये गरम मसाला। अच्छा, ये अभी हम इस पे तीसरी तह डालेंगे। पनीर लगाना है। चारों तरफ से कवर करना है, सिर्फ बीच में थोड़ा सा ये भाप के लिए हमने, जो यहाँ से थोड़ी सी भाप निकल सके, इसके लिए थोड़ी सी हमने जगह छोड़नी है और ये हमने इस पर रखते हैं। आँख हमने तेज़ कर देनी है और ये तकरीबन इसमें टाइम लगेगा 25 मिनट। 25 मिनट तक हमने इसको ये दम पे रखना है। इसको हम खोलते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्योंकि ऑयल नहीं डाला था तो थोड़ा सा हम इस पर ऑयल जो है ना छिड़क लेते हैं। अभी हम, वाह, इसमें असल में जैसा आपको बताया था 3 लेयर्स बनती हैं, तो ऊपर वाली लेयर में जो है ना इतना मसाला नहीं होता, और जैसे ही आप इन डेप्थ जाते हैं तो मसाला आपका हो जाता है। ये चिकन आ गया, चिकन जो है ना देख लें, ओह बिल्कुल नरम है। ये सारा मिक्स करना होता है। बहुत ज़बरदस्त आई है अनएक्सपेक्टेडली, इसलिए कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे कि पहले मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुक नहीं हूँ, मुझे शौक़ है लेकिन मुझे कुकिंग नहीं आती। कभी यूट्यूब चैनल से देखकर, कभी किसी को देखकर, कभी अंदाजे से मैं कुछ बना लेता हूँ, और ये भी इसका एक ट्राई थी। बस इसमें ये है कि जब आप बना भी लेते हैं या तो प्रॉपरली मिक्स कर लें, इसलिए कि इसकी जो सारा मसाला होता है वो नीचे वाली लेयर में होता है वो चिकन, और बाकी उसके ऊपर जो है ना, मतलब जैसे आप ऊपर वाली तह ऊपर आते हैं तो उसमें मसाला नहीं होता चिकन। बाकी देख लें, हमने कच्चा डाला था, बिल्कुल जो है ना ये गल चुका है, ये अभी काफ़ी गर्म है तो उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन जायका लाजवाब। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और ये मस्ट ट्राई आइटम है, इसलिए कि अभी तक जितनी भी बिरयानीज बनाते हैं वो तो पहले से जो है ना गोश्त बना लेते हैं फिर उसमें मिक्स कर लेते हैं, इसमें ये नहीं है।
वाह, चिकन में जो हमने मसाले डाले लाजवाब, बहुत ही मज़ा है। मतलब मैं थोड़ा बहुत कुक बन गया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।